करहल में हो रहे उपचुनाव में आखिर समाजवादी पार्टी का जो परिवार है, यादव परिवार है, वो टूट गया है। आखिर इसके टूटने की वजह क्या रही? क्यों अनुजेश यादव ने करहल से बीजेपी का टिकट लिया? क्या सिर्फ चुनावी मामला है या फिर परिवार की पुरानी अदावत? हम ये समझेंगे। ये भी जानिए कि जो नारा हिट हुआ है, बटेंगे तो कटेंगे, अखिलेश यादव ने इस नारे में क्या बदल दिया है जो उनके कार्यकर्ताओं को भा रहा है, और आज शिवपाल यादव ने भी उसे दोहरा दिया, अगर बटेंगे तो पिटेंगे। क्या है ये पूरा मामला, ये समझेंगे। और आखिर में महाराष्ट्र में आखिरकार समाजवादी पार्टी कहां तक पहुंची, कितने सीटों पर समाजवादी पार्टी को इंडिया गठबंधन ने प्रत्याशी देने को कहा है, ये बात भी समझेंगे। ये खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपने न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो उत्तर प्रदेश में जो 9 उपचुनाव हो रहे हैं विधानसभा के, उसमें एक सीट करहल सबसे ज्यादा चर्चा में है। करहल वो सीट है जिसे अखिलेश यादव ने खाली की और कन्नौज से सांसद बनकर संसद में पहुंचे हैं, लेकिन उन्होंने अपने भतीजे तेज प्रताप यादव को यहां से मैदान में उतारा है। तेज प्रताप यादव लालू प्रसाद यादव के दामाद भी हैं, लेकिन यहां पर बीजेपी ने इसी यादव परिवार से अनुजेश यादव को टिकट दिया है। और अनुजेश यादव कौन है? तो अनुजेश यादव धर्मेंद्र यादव के सगे बहनोई हैं। अनुजेश यादव की मां पहले 2 बार किरोड़ से विधायक रह चुकी हैं, लेकिन अब दोनों परिवार आमने सामने हैं। यूं तो यादव परिवार ही है, एक तरीके का एक्सटेंडेड फैमिली है, मुलायम सिंह यादव के दामाद रिश्ते में लगेंगे, लेकिन अब आमने सामने हैं। और ये कम से कम इस यादव परिवार को चुभ भी रहा है कि आखिर बीजेपी ने इस परिवार को ही आमने सामने कैसे कर दिया। अखिलेश यादव ने कुछ दिन पहले ये कहा था कि हम पर परिवारवाद का आरोप लगाते हैं, लेकिन अब रिश्तेदारवाद तो बीजेपी कर रही है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो मैनपुरी है, यानी कि जो करहल सीट है, वो बिल्कुल न्यूक्लियस है इस यादव परिवार का, यानी जहां उनका घर है वहां की सीट पर परिवार परिवार के सामने लड़ रहा है, और ये किसी को रास नहीं आ रहा। किसी को मतलब यादव परिवार में, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे शिवपाल यादव हो, चाहे धर्मेंद्र यादव हो। और इस पर बकायदा बयानबाजी भी शुरू हो चुकी है। तो शिवपाल यादव ने क्या कहा है, धर्मेंद्र यादव ने क्या कहा है, हम आपको सुनाने जा रहे हैं। शिवपाल यादव ने कहा है कि इस परिवार से कोई रिश्ता नहीं है, और जब बीजेपी से टिकट ले लिया तो अब आगे भी कोई रिश्ता नहीं रहेगा। धर्मेंद्र यादव ने भी ऐसी ही बात कही है, सुनिए इन दोनों को। और बहुत सी रिश्तेदारियां हैं, लेकिन एक रिश्तेदारी अब टूट गई। अब कभी नहीं, अब मैंने पार्टी से भी कभी नहीं किया जाए। लेकिन मीडिया के साथियों, समाजवादी लोग वो लोग हैं, मुझे याद है 2019 में यहाँ के उम्मीदवार ने जब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी, अगले ही दिन मैंने एक चिट्ठी जारी कर दी थी, दोबारा उस तरह की बात आपको नहीं करनी चाहिए। और उनको भी, वहां के उम्मीदवार को भी, बीजेपी के उम्मीदवार को भी समझना चाहिए, आज वो जिनकी गोद में बैठे हैं उन्हीं ने सबसे ज्यादा अन्याय, सबसे ज्यादा अत्याचार, सबसे ज्यादा शोषण इस इलाके के लोगों को और घेरोर के लोगों के ऊपर किया है। इसलिए मेरे घेरोर और साजापुर के आसपास के लोगों, ये चुनाव जो आने वाले 13 तारीख को हो रहा है, ये केवल तेज प्रताप जी को विधायक बनाने भर का चुनाव नहीं है, बल्कि ऐसे लोगों को सबक सिखाने का भी समय आने वाले 13 तारीख को आ रहा है। तो अनुजेश पहली बार चुनावी मैदान में है, लेकिन उनकी मां 2 बार किरोड़ से विधायक रह चुकी है। कहा यह जा रहा है कि कई बार समाजवादी पार्टी से अनुजेश के लिए उन्होंने टिकट मांगा था, लेकिन टिकट मिला नहीं। और 2019 में अनुजेश, उनकी बहन संध्या और उनकी मां, उर्मिला तीनों ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया, यानी कि यह पूरा परिवार भाजपा में चला आया। लेकिन क्या कहानी यहीं से है, या फिर परिवार के विवाद का जड़ कहीं पुराना है? दरअसल अनुजेश यादव का परिवार और मुलायम सिंह यादव के परिवार की जो कह सकते हैं सियासी अदावत, यूं तो परिवार में सब एक साथ
कार्यक्रमों में मिलते हैं, दिखते हैं, लेकिन सियासी अदावत 2011 के नवंबर तक जाती है, जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। और अदावत की वजह आप सुनेंगे तो आप भी हैरान होंगे। दरअसल उस वक्त अनुजेश की पत्नी जो कि संध्या यादव हैं, वो वहां की जिला परिषद अध्यक्ष थी, समाजवादी पार्टी से ही थी। लेकिन अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री रहते, जो वहां के स्थानीय लोग बता रहे हैं उसके मुताबिक, अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री रहते ही उन्हें हटाने की कोशिश हुई। बकायदा समाजवादी पार्टी के नेताओं ने ही उन्हें जिला परिषद अध्यक्ष से हटाने की पूरी कोशिश की। और तब उस वक्त जब पार्टी से मदद नहीं मिली तो उस वक्त बीजेपी ने वहां मदद कर दी, और बीजेपी की मदद का नतीजा ये रहा कि चाहकर भी समाजवादी पार्टी संध्या यादव को हटा नहीं पाई। और तब से एक जो टीस कह सकते हैं, या इस परिवार की समाजवादी पार्टी से एक जो सियासी अदावत कह सकते हैं, तब से इसकी शुरुआत थी। लेकिन उर्मिला यादव जो कि अनुजेश की मां है, वो शिवपाल यादव के कैंप की मानी जाती रही। जब अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच दूरियां बहुत ज़्यादा थीं, या यूं कहें एक तरीके से सियासी दुश्मनी हो चुकी थी, उस वक्त भी उन्हें मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव के कैंप का माना जाता रहा। इससे अखिलेश यादव से कभी इस परिवार की नहीं बन पाई। लेकिन अब जबकि बीजेपी ने चुनावी मैदान में उन्हें उतार दिया है, तो अब शिवपाल यादव ही सबसे ज्यादा खिलाफत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उन पर टैग लगा है कि ये कभी उनके कैंप में रही हैं। तो आखिर अनुजेश यादव के चुनाव लड़ने के पीछे की वजह बेहद जरूर हो सकती है कि वो तात्कालिक हो, बीजेपी ने वहां परिवार के सामने परिवार को खड़ा कर दिया हो, लेकिन अनुजेश यादव, पत्नी संध्या यादव, माँ उर्मिला यादव, इन तमाम लोगों की एक सियासी लड़ाई बहुत पहले से वहाँ चल रही है, और बीजेपी उस खेल में पहले से अनुजेश यादव के साथ शामिल रही है। तो ये बात तकरीबन इसको 12 साल हो गए। हालांकि 2019 में इस परिवार ने बीजेपी को ज्वाइन किया था, और जयवीर सिंह कभी उर्मिला यादव के खिलाफ भी चुनाव लड़े, लेकिन माना यह जा रहा है कि इस टिकट को दिलाने में उनकी बड़ी भूमिका है। तो इस वक्त समाजवादी पार्टी के लोग, जिसे कहते हैं पानी पी पी कर कोसना, तो फिलहाल अनुजेश यादव उनके परिवार को सियासी तौर पर कोस रहे हैं, लेकिन ये चुनाव इसी वजह से दिलचस्प भी हो गया है। अब अगली खबर। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वो नारा, वो टैगलाइन इन दिनों हिट है, जो लगातार सब लोग सुन रहे हैं, और अब तो उस पर गाने भी बन रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। लेकिन बटेंगे तो कटेंगे का असर हरियाणा में दिखा, और अब चर्चा है कि बटेंगे तो कटेंगे का असर महाराष्ट्र में भी दिखाई दे सकता है, इसका असर झारखंड में भी हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस बात को अपने अंदाज में कह दिया, और एक दिन पहले मथुरा में आरएसएस ने भी इस बयान को एक तरह से अपनी सहमति दे दी और कह दिया कि बटेंगे तो कटेंगे में हिंदुओं में एकता का भाव है। लेकिन बटेंगे तो कटेंगे, ये जो टैगलाइन है, ये जो नारा है, क्या ये समाजवादी पार्टी को भी हिट कर रहा है? कहीं ना कहीं सपा, या यूं कहें विपक्ष, या यूं कहें इंडिया गठबंधन की सियासत को भी ये हिट कर रहा है, और इसने बहुत बुरी तरीके से कांग्रेस को हिट किया है हरियाणा में। तो ऐसी स्थिति में अब समाजवादी पार्टी ने इसका एक काट ढूंढ लिया है, और अखिलेश यादव ने सबसे पहले इस बात को कह दिया, इस नारे के जवाब में अपना एक टैगलाइन दिया कि बटोगे तो पिटोगे, और अब इस बटोगे तो पिटोगे को इनके तमाम नेताओं ने उठा लिया है, और आज शिवपाल यादव ने इसका इस्तेमाल भी इस करहल की चुनावी सभा में कर दिया। यानी कि उन्होंने अपने नेताओं, अपने कार्यकर्ताओं सबको कह दिया कि बटोगे तो पिटोगे, यानी कि वो भी अब अपने कार्यकर्ताओं को एक करने के लिए इसी नारे का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन दूसरे तरीके से, यानी कि अगर तुम लोग बटे तो पिटोगे, और पिटने वाले कौन होंगे? तो निश्चित तौर पर बीजेपी और संघ परिवार के लोग। और यही नारा जो समाजवादी पार्टी चाहती है कि इस नारे का असर ओबीसी, दलित,
अल्पसंख्यक इनके बीच में जाए कि अगर वो बटे, यानी कि अगर उनका वोट बटा और बीजेपी की तरफ गया तो वो पिटेंगे। तो अब इस बटोगे तो कटोगे और बटोगे तो पिटोगे पर खूब सियासत हो रही है, और आने वाले जो उपचुनाव में इसके कितने रंग देखने को मिलेंगे ये अभी इस चुनाव में दिखेगा। लेकिन अब इस एक नारे को लेकर जिस तरीके से पीडीए को लेकर बीजेपी ने रिएक्ट किया था, और बीजेपी भी पीडीए और पीडीए के खिलाफ बातें कर रही थी, अब इस एक नारे ने एक तरीके से समाजवादी पार्टी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सियासी पिच पर खींच कर ला दिया है। देखना है कि इस बटोगे तो कटोगे या बटोगे तो पिटोगे का क्या सियासी असर होता है। अगली खबर, तो महाराष्ट्र के चुनाव में क्या समाजवादी पार्टी इस इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं होगी? कांग्रेस, शिवसेना उद्धव ठाकरे या फिर जो एनसीपी शरद पवार है, क्या उस गठबंधन का हिस्सा नहीं होगी? अभी तक जो आखिरी बातचीत हुई है उसके मुताबिक दो सीटों पर जो समाजवादी पार्टी के पास पहले से जिन पर विधायक हैं उससे अतिरिक्त देने को एमवीए तैयार नहीं है, महाविकास अघाड़ी तैयार नहीं है। चर्चा ये थी कि शायद एक सीट उन्हें दी जाएगी, यानी दो के अलावा एक सीट, तीन सीट। अखिलेश यादव ने अभी तक कुल 5 सीटों पर अपने कैंडिडेट्स का ऐलान कर दिया है, और अगर ये एमवीए या जो फिर महाविकास अघाड़ी है, अगर इसके इर्द गिर्द आज शाम तक, आज रात तक कोई बात फाइनल होता है तो माना जाएगा कि कोई गठबंधन में सपा भी होगी, लेकिन अब इसकी गुंजाइश कम लग रही है। हालांकि आखिरी दौर की बातचीत अभी भी चल रही है। अखिलेश यादव ने 10 सीटों पर अपने कार्यकर्ताओं को तैयारी करने और चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। 5 सीटों पर पहले से ही उन्होंने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, और अगर एमवीए से बात नहीं बनी तो ये 10 तक ये संख्या जा सकती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी पहले से महाराष्ट्र में मजबूत रही है, मुसलमानों के एक बड़ा वोट बेस में उसकी पैठ रही है, और यही वजह है कि इस बार अखिलेश यादव महाराष्ट्र में हर हाल में चुनाव लड़ना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी अखिलेश यादव से बात कर रही है, अब देखना है कि क्या 5 सीटें जहां पर अभी तक सपा ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर रखा है, क्या वो सीटें मिलती हैं या नहीं मिलती हैं। बहुत मुमकिन है कि अखिलेश यादव इस चुनाव में अकेले चले जाएं। पार्टी के इंसाइडर बता रहे हैं कि सिर्फ 2 जहां पर जीती हुई सीट है, उसके अलावा एमवीए कोई भी सीट देने को तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में 5 से 10 सीटों के बीच सपा भी फाइट करेगी ऐसा माना जा रहा है। तो ये था आज का यूपी, हम कल फिर हाजिर होंगे, आप हमें दीजिए इजाजत, देखते रहिए यूपी तक।